यहाँ पे आज कई साल से मनरेगा वाला काम नहीं मिला है। मनरेगा का काम सिर्फ कागज में चालू है, लेकिन गांव में देखा जाए तो स्थिति बहुत खराब है। जब यहाँ 4 या 5 साल से काम ही नहीं मिला है तो लोग क्या काम करें। जो पहले बालू का काम चलता था, गिट्टी का काम चलता था, तो उससे कुछ सहारा था। इस समय तो वो भी काम बंद हो गया, तो लोग कैसे अपने बच्चे पालें। इस तरह की स्थितियां हैं कि लोगों के घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जंगल इलाका है, खेती बाड़ी तो है नहीं, कैसे घर खर्चा चलाएं। तो हमारे पीछे ढेर सारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा कई साल से। तो आइए उन्हीं से मिलवाते हैं और उनके बातों से सुनते हैं कि क्या समस्या है। मनरेगा वाला काम मिलता है? नहीं मिलता। कब से? आज कई साल से हो गया। कैसे घर खर्चे चलाती हैं? कैसे तो क्या करे, नहीं अब काम बूत कर रहा था तो परदेश निकली थी तो भीख मांग के खाई थी। अरे हाँ, नहीं किन होता, नहीं सरकार देता है तब भीख मांग के खाई थी, पेट तो चलाओगे करा है किसी तरह। गेहूँ है तो मन पड़ा सरकार दे दिए से दुई पसेरी में कई दिन खा, कई दिन एक पब्लिक खवाई दुई पसेरी गेहूँ में, चाहे अपन खा ले चाहे बाल बच्चे खवा ले। काका से मायावती के राज में वो मिलत रहा तो वह बंद होगा, नहीं मिलता। मनरेगा वाला योजना चलने से क्या फायदा है आप लोग का? अब जब मिलता ही नहीं तो फायदा ही करब तो का करब, हम जब नहीं मिलता करब करा या नहीं मिलता यार अभी जाते तो फिर उसे का मतलब। किसके लिए बना है ज्यादातर ये योजना? हम ही बचन के लिए बना है, और के का बना है, हम ही लोग करब तब चालू हुई। घोंदा में चालू रहा, किला में चालू है, हमका लोग का सब मालूम है, पर यहाँ अपने गढ़वा में नहीं मिला नरेगा। आज 2 साल हो गया यहाँ नहीं मिला और अगली बगली चल रहा है काम, यह बंधा बंधा रहा खेतन में, तब करण है आज तक पैसा नहीं। कितने दिन काम की, कितने दिन का पैसा नहीं मिला? 7 दिन करण है, एक रोज नहीं मिला, फिर आगे गवाई नहीं भान, पैसा का उदार कहा नहीं आवा हमारा। 60 साल है, 60 साल के हो गया, अनुभव नहीं आवा था। फिर काम क्या करती हैं आप लोग जब काम नहीं मिल रहा? काम अब हमारे काम करे के पौरुख नहीं है बहुत भात, हम अपन घरे के कारण 4 ठे बोकरिया हम रखे हैं। तो कैसे घर का खर्चा चलता है? अब कैसे बताई, अब भगवान बिताए रहे जैसे बीता था, अब और कैसे बिताई। कोटा के गल्ला मिला था, 4 आदमी हैं तो 5 किलो मिला था, तो हलो मन खात है, अब का करे। मान लीजिए खाने के लिए तो गल्ला मिल गया। कभी कभार दुखी बीमार हुए, दुखी बीमार भान गान, डॉक्टर के दवाई अबाई कल 500 का दवाई कराए के आन है, 5 दिन का दे है, पुन 5 दिन या पुन 500 का दवाई, यही तरह ही तरह 15 दिन में 1500 रुपया गए। यह ऐसे हमारे लोग के समय कहाँ से मिला, कहीं से भी आजू लाए, कुछ गिरवी रखी? बिटिया कमाती वहीं में हम भरी थी, देखा वैसे हमारे घर चला थे, दवाई दर्पण भाजी साग तेल मस, क्या होगा फिर भागी इलाहाबाद जही, देश परदेश जही बेचारे, और का करी बिना भूख ने। क्या करते हैं? गारा माटी, हमारा लड़का खुद ही गा हमारे बराबर है। अब सरकार से जाए के आप यही मोबाइल में कहीं नरेगा के बारे में जब समस्या है तो नरेगा खोलामा काम करा, पैसा कौड़ी में नहीं कब मिली तब तो आगे काम बाल बच्चन का हमारे होई, शादी भी आ है वो भी काम रुका था मन इनके। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अब हो गया खर्चा, जैसे 100 रुपया पाए 100 रुपया में अपना अपना पेट चला रहे हैं, समस्या यही है। जब दुखी बीमार हो जाते तो दुखी बीमार हो जाते हैं तो हो गया, कहीं सरकारी है वहीं में जाते हैं तो थोड़ा बहुत इलाज हो जाती है, गोली वोली दे देते हैं कि जाओ ठीक हो जाओगे। इस गांव में जैसे नरेगा अगर चल जाएगा तो फायदा यही है कि माने पेट भरदा चलेगा। अब इसमें मजदूरी कितना है, 200 कितना पैसा कुछ है, इतना पाएंगे तो अपने घर का पर खर्चा तो चला लेंगे। 100 दिन का काम मिलता है? 100 दिन का काम मिल जाएगा। आप लोग को जब से चला है ये, हाँ कभी 100 दिन का काम मिला? आप देखे तो है माने हमारे जॉब कार्ड में सब मैंने हाजिरी एक ठोड़ ही चढ़ी है, आज कितने साल का हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है। कितना साल हो गया? अरे हो गया 5-6 साल से कम नहीं हुआ, हाजिरी एक ठोड़ नहीं है, तब से ना काम ना किसी काम दिया हमको लोग, कहीं ईंटा गारा मिला, इसे ऐसे काम चल रहा है थोड़ा बहुत, यही सब समस्याएं हैं। खेती बाड़ी इसमें कुछ नहीं है, अपना ऐसे दहीने बाएं अपना खर्च चला रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत की टोटल आबादी कितनी है? अब 2011 के अनुसार 3600 कुछ थी, अब बढ़ गई होगी। कितने मजरे हैं? मजरे 7 हैं। तो इस समय चक्रा
जी गांव के मजरे के लोगों को कहना है कि आज 5 साल से मेरे यहाँ मनरेगा वाला काम नहीं आया है। जी जी, उनका जॉब कार्ड भी देखें तो उसमें कुछ हाजिरी वाजरी नहीं भरा है, तो वजह क्या है कि उस ग्राम पंचायत में काम ही मनरेगा का नहीं चल रहा है, कब से बंद है? नहीं, काम वहाँ हुआ है, उसी जहाँ आप गई थी उसी जस्ट बगल में खेल मैदान बना हुआ है, वहीं के लोग किए हैं। और मनरेगा में काम इसलिए मजदूर नहीं करते कि उसमें 213 रुपए मिलता है, 3 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन बाद पैसा मिलता है, और इनको रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है, तो 350 की बोरियां लाद लेते हैं, बालू तोड़ लेते हैं, नगद पैसा पाते हैं, तो इसलिए मनरेगा में इंटरेस्ट नहीं रखते। हालांकि मनरेगा में हमारी चारों तरफ हम अपनी आईडी जनरेट करके इस्टीमेट पास करा के रखे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आज के डेट में भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इस समय 2 महीने से पैसा नहीं आया है मनरेगा के मजदूरों को। हमारे यहाँ कुछ मजदूर 24-25 दिन लगातार काम करके बैठे हैं, बेचारे रोज़ आते हैं हमारे पास, हम कुछ पैसे की व्यवस्था होली पर कर दिए थे अपनी जेब से कि जब आएगा तो हमारा वापस कर दीजिएगा, लेकिन दिक्कत है मनरेगा में, यही मैंने पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, हमारा गढ़ा कटरा में तो काफ़ी काम होता है। जो भी 3 साल पहले काम किए थे तो उनका पैसा नहीं मिला था, मेड़बंदी में किए थे, वहाँ पे ऐसे कोई कंप्लेंट तो आई है नहीं है मैडम हमारे पास, जैसे कि गाढ़ा कट्टा का कोई भी लेबर का पेमेंट ऐसा नहीं है कि 3 साल का कोई बकाया हो। वैसे सर क्या नियम है कि कितना एक मजदूर को कितना काम मिलता है साल में? 100 दिन का मिलता है, लेकिन ऐसा तो कोई मतलब नहीं मजदूर। जबरदस्ती देखिए, मनरेगा एक डिमांड बेसिस योजना है, ठीक है, किसी लेबर को हम जबरदस्ती इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो खुद से चाहे तो काम कर सकता है। जी सर, सर इस समय 2 महीना से मनरेगा वाला पैसा नहीं आ रहा किसी मजदूर को। हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ, अभी शासन इस पे रिलीज नहीं कर पा रही है, कुछ दिक्कत है वहाँ पर, 2 महीने से इधर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जितने भी लाइबिलिटी है सबको खाते में पैसे चले जाएंगे जल्दी ही, तो वो बता दें तो उनको काम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको काम तुरंत मिल जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।